यहाँ पे तो इस ट्रैक्टर में कैप्टन की यहाँ पे मोहर लग रही है कि ये ट्रैक्टर जो है कैप्टन द्वारा बना हुआ है। और अगर पीछे की साइड देखते हैं तो पीछे की साइड जो है यहाँ पे न्यू हॉलैंड की लगी हुई है। अब पता नहीं ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड का है या कैप्टन का है या फिर दोनों ही कंपनी का जो कॉम्बो ट्रैक्टर मतलब ये बनाया हुआ है। दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों आज जो आप अपने सामने ट्रैक्टर देख रहे हैं दोस्तों ये है न्यू हॉलैंड का सिम्भा 20। तो ये जो ट्रैक्टर जो है ना मैंने भी पहली बार ही देखा है कि न्यू हॉलैंड का ये सिंगल सिलेंडर वाला ट्रैक्टर है कि छोटा ट्रैक्टर भी आता है, तो सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाई जाए। तो जो न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर है सिम्भा 20 के नाम से आता है, 20 भी आता है, सिम्भा 30 भी आता है, ब्लू सीरीज़ है। तो इसका जो है कंप्लीट रिव्यू करेंगे जी, प्राइस सहित क्या क्या इसमें आपको फीचर्स मिलता है या अन्य ट्रैक्टरों से ये जो न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर है किस तरह जो अलग दिया गया है अदर कंपनियों के मुकाबले। क्योंकि जैसे कि 18 एचपी का ट्रैक्टर है तो 18 से 20 एचपी में जो है ना काफ़ी कंपनी अपना ट्रैक्टर बनाती हैं, तो इसके फीचर्स भी देखते हैं ये किस तरह अलग दिया गया है या फिर सभी कंपनियों की तरह जो इसका ये ट्रैक्टर भी है बिल्कुल मतलब वो सेम बनाया गया है। ओ भाई बस का टायर फट गया चलती हुई कई। तो भाई जो इसका फ्रंट टायर है, फ्रंट टायर दिया गया जिसमें आपको 5/25 का फ्रंट टायर मिलता है और जो पिछला टायर है वो मिलता है इसमें आपको 8/3/20 का। अब दोस्तों इसके हमने इंजन की बात करते हैं तो इंजन जो है ना इसमें आपको सिंगल सिलेंडर मिलता है वाटर कूल जो इसमें आपको इंजन मिलेगा न्यू हॉलैंड का, ये बता रहे हैं कि न्यू हॉलैंड का इसमें आपको इंजन मिलता है ब्लू सीरीज़ का। और जो इसका लुक है ना आप देखने में जो ना न्यू हॉलैंड की बैजिंग कहीं भी नहीं मिलेगी इसमें, ना ही न्यू हॉलैंड का लोगो मिलेगा, बाकी ये लोगो मिलता है, ये पता नहीं न्यू हॉलैंड का तो नहीं है, न्यू हॉलैंड का लोगो तो देखो ऐसा रहता है बट बाकी बता रहे हैं ऐसे। और फ्रंट में जो ना टू हुक मिलता है और ये जो ना प्रोजेक्टर इसमें आपको हेडलैम्प मिलते हैं और फ्रंट में जो है ना मतलब जो कूलिंग सिस्टम के लिए जो ना देखो कितनी बड़ी जाली दी गई है, देखो इस साइड से भी कूलिंग सिस्टम हो सकता है, नीचे से भी, फ्रंट से भी, इस साइड से भी, तो काफ़ी बड़ा जो इसका कूलिंग सिस्टम वो दिया गया है। और जो इसका एयर क्लीनर है ना मतलब इसमें ऑयल बाथ वाला इसमें आपको एयर क्लीनर वो मिलता है और जो डीजल टैंक का लगभग 30 लीटर का जो इस ट्रैक्टर में आपको डीजल टैंक वो मिलता है। ओ भाई तो ये तो कैप्टन का है, देखो बता न्यू हॉलैंड वाले ही अपना रहे हैं लेकिन इसमें देखो कैप्टन की मोहर लग रही है जी, कैप्टन का ट्रैक्टर है ये, ऐसा हो सकता है मतलब ट्रैक्टर कैप्टन का हो और जो इसका मतलब बोनेट वगैरह न्यू हॉलैंड जो है ना अपने उससे देख रही हो, तो ऐसा हो सकता है जो मुझे लगता है। 18 HP का जो इसमें आपको ट्रैक्टर मिलता है 18 HP का और सिंगल क्लिच में जो है ना ये आपको ट्रैक्टर मिलेगा। और इसमें जो है ना मुझे गियर बॉक्स में जो है ना काफ़ी स्पीड ज़्यादा लगी, छोटे ट्रैक्टर जो है ना जैसे गियर बॉक्स की स्पीड में सिर्फ लो और हाई वाले आते हैं लेकिन इसमें जो है ना लो हाई और मीडियम तीन स्पीड का जो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और प्लेटफॉर्म भी जो है ना देखो छोटे ट्रैक्टरों के हिसाब से मुझे प्लेटफॉर्म से इसका अच्छा लगा अदर कंपनियों के मुकाबले, क्योंकि कुछ कंपनी में जो है ना बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता, आपको जो है ना चढ़ने उतरने में बहुत काफ़ी दिक्कत रहती है लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और अभी जो है ना मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ इसको ऑपरेशनल एरिया। तो दोस्तों देखो ऊपर जो है ना चढ़ने उतरने में और बैठने में तो कंफर्टेबल है और क्लिच भी काफ़ी सॉफ्ट है। ये इसके ब्रेक हो गए, ये हैंड फुट एक्सीलेटर है और बाकी ये जो है ना अपना स्टीयरिंग हो गया। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो तो सिंपल दिया गया है, ये डीजल का है, ये RPM है और ये टेम्परेचर का है और ये जो ना लाइटिंग स्विच वगैरह इसमें आपको मिलते हैं। और अगर बात करें इसके गियर बॉक्स की तो देखो यहाँ मिलता है इसमें लेफ्ट साइड में गियर बॉक्स मिलता है, राइट साइड में नहीं है, सिर्फ इसमें लेफ्ट साइड में आपको गियर लीवर जो मिलता है वो है 1, 2, 3 रिवर्स, 4 गियर ये हो गए और ये हो गए हाई, मीडियम, न्यूट्रल और लो, मतलब 9 गियर तो इसमें फॉरवर्ड हैं और 3 है रिवर्स, तो टोटल जो ना 12 स्पीड वाला इसमें आपको गियर बॉक्स मिलता है, 9 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स। और अगर इसके हम PTO RPM की बात करते हैं जो PTO चक्कर है तो इसमें आपको दो तरह की मिलती है, 540 भी मिलती है और 1000 भी इसमें आपको मिलते हैं, मतलब दो तरह के PTO का इसमें आप ऑप्शन ले सकते हैं, इकोनॉमी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। और इधर जो ना दो लीवर मिलते हैं, एक ड्राफ्ट लीवर मिलता है और एक मिलता है पोजिशन लीवर। और बाकी डिफरेंशियल लॉक वगैरह इस ट्रैक्टर में कुछ है नहीं, तो ये जो ना इसका जो हैंड ब्रेक है वो देख रहे हैं आप और ये बंद करने का स्विच है। और यहाँ पे जो ना इसमें आपको चार्जिंग बॉक्स का ऑप्शन जो मतलब चार्जर लगा सकते हैं यहाँ पे आप, जो ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है। तो अब जो इसके हम फाइनल ड्राइव की बात करते हैं ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा वो किस तरह का इसमें आपको मिलता है। और बाकी जो ना देखो साइड में यहाँ पे जो ना पकड़ने के लिए ऐसे इस साइड पे हैंडल मिलता है और इस साइड पे एक हैंडल इसमें आपको मिलता है। वहीं अगर इस ट्रैक्टर में पिछले हिस्से की बात करते हैं तो पिछला हिस्सा तो जो ना वो ये कि जैसे कि सभी ट्रैक्टरों के सभी कंपनी के छोटे ट्रैक्टरों में आता है उसी तरह का जो इसका छोटा पिछला हिस्सा जो वो दिया गया है। और अगर इसकी लिफ्टिंग क्षमता की बात करते हैं तो लगभग 750 kg की जो इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग क्षमता वो मिलती है। और एडजस्टेबल जो इसमें आपको हिच नहीं एडजस्टेबल नहीं मिलेगा, फिक्स मिलेगा। और जो PTO है वो 540 मिलेगी और 1000 मिलेगी और लगभग ये जो है ना
13 HP की जो P2 पावर जनरेट करता है, और इसमें जो है ना आपको 3 स्लॉट वाली लिफ्ट सेंसिंग मिलती है छोटे ट्रैक्टर में, और यहाँ मिलता है ये ट्रॉली के लिए एक सिंगल ऑक्सिलरी वॉल्व बोल सकते हैं। और फाइनल ड्राइव जो है इसमें आपको वही मिलती है बुल पिनियन वाली फाइनल ड्राइव, जैसे कि अदर कंपनियों को छोटे ट्रैक्टर में आती है। और ये देखो जी एक बोतल होल्डर ये हो गया, और देखो ये कंपनी फिटेड आ रही है जो कैसी है, तो देखो कितनी बड़ी अच्छी कंपनी फिटेड बोतल आ रही है। और ये देखो जी अब यहाँ पे तो देखो न्यू होलैंड की पूरी जो है मतलब एक प्लेट लगी हुई है, आप देख सकते हैं न्यू होलैंड की लग रही है। तो ये मुझे समझ नहीं आया, देखो यहाँ पे तो लग रही है न्यू होलैंड की प्लेट, ठीक है जी, और यहाँ पे लग रही है इस पे कैप्टन की। तो भाई इसका जो सिस्टम है मुझे समझ नहीं आया, ये न्यू होलैंड का ट्रैक्टर है या कैप्टन का है या फिर दोनों का कॉम्बो है बनाया हुआ है ये। तो अगर इसके हम प्राइस की बात करते हैं तो लगभग 376,000 जो है इस ट्रैक्टर का प्राइस है। और एक चीज़ और देखो जो इसका ये मतलब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, ये देखो कितना मोटा दे रखा है, मतलब ये इतना बड़ा तो जो है ना बड़े ट्रैक्टर में भी नहीं आता, उन्हें भी छोटा आता है जो इसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है ये। और बाकी साइलेंसर जो है ना आप साइड में इसका साइलेंसर रहेगा, तो लगभग जो इसका प्राइस है वो है। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताऊँ, देखो इसका जो हाइड्रोलिक फिल्टर देखो वो कितना बड़ा दिया गया है, देखो हाइड्रोलिक फिल्टर जो ना इतना बड़ा है जितना कि बड़े ट्रैक्टरों में आता है, उसी साइज़ के इसमें हाइड्रोलिक फिल्टर जो लगाया गया है। और ये ट्रैक्टर जो ना आप इसको 2 व्हील में भी ले सकते हैं और 4 व्हील में भी ले सकते हैं, दोनों में जो इसका ऑप्शन है वो अवेलेबल रहेगा। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।